इन अ मोमेंट में एसएसए टीचर के साथ में है और आने वाला काल को यानी कि 8 तारीख अगस्त को इन लोग डारना के लिए जा रहा है। डारने के जाने के पहले इन लोग मुलाकात किया है एजुकेशन मिनिस्टर हंजुम गंडम को। गंडम साहब ने अपील किया है डरना नहीं जाने से अच्छा है, मतलब जो करना है कर देगा। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मैन भी कहा था कर देगा कर देगा। और उस दिन जिस गवर्नमेंट को जो पार्टी चलाता वो पार्टी का प्रेसिडेंट मिस्टर काफी गौर से भी बात किया वो भी कर देगा बोले। तो जिसको भी मिला वो एश्योरेंस दे देता कर देगा बोल के, लेकिन फिर आप धरना में जाने जा रहा है, क्या इन लोग का एश्योरेंस को आप विश्वास नहीं करते हैं? सर इसमें ऐसे है कि हम लोग धरना में इसीलिए जा रहा है क्योंकि हम लोग कई सालों से एश्योरेंस का ऊपर एश्योरेंस और हमारे ऊपर जो कमेटी जो गठन करना है इस पर गवर्नमेंट का तरफ से जितना वेरियस कमेटी बन चुका है, इंस्पाइट ऑफ कमेटी बनने का बावजूद भी इन लोग सरकार जो है वो पॉलिसी मेकिंग है अभी, तो पॉलिसी एक रिटर्न रिकॉर्ड का साथ आगे में आने से अच्छा रहेगा, तो वो नहीं हो कि मुख से कितना जुबान देगा। तो इसीलिए हम लोग बहुत दुख है, इन लोग का जुबान से हम लोग सहमत नहीं है, एश्योरेंस से हम लोग ये नहीं है, तो इसीलिए हम लोग धरना के लिए काफी से जा रहे हैं। अगर आप कैसा टाइप का एश्योरेंस जरूरत है? एश्योरेंस सर हम लोग को टोटली जरूरत नहीं है अभी, हम लोग को जरूरत है रिटर्न रिकॉर्ड हम लोग को चाहिए आपका कैबिनेट में जो 10 तारीख में आने वाला है उसमें हमारा जो मधुरानी क्योटा का जो ये है कमेटी गठन किया है उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट को उसमें कैबिनेट में अप्रूव कर देना है। ओ अच्छा, कैबिनेट डिसीजन का मुताबिक आप जो बात मानने वाला है? जी अगर उसमें कैबिनेट में अगर पोस्ट क्रिएशन हमारा स्पेशली एसएसए के लिए पोस्ट क्रिएशन जो है जिसमें आपका मधुरानी मैडम का वो जो ये जो मतलब बना गया है उसी का हिसाब से अगर पोस्ट क्रिएशन अगर अप्रूव होता है उसमें अगर एसएसए टीचर को रेगुलराइजेशन का पैकेज अनाउंस करता है तो हम लोग उसी में हम लोग कॉल अप करते हैं। अगर नहीं करता है तो? नहीं करता है तो हमारा जो लड़ाई हो तो आगे चलते रहेंगे। आप डेमोक्रेटिकली आप जाएगा ना, कोई कोई तो एनजीओ कोई पार्टी तो कभी कभी डेमोक्रेटिक से भी बाहर चला जाता है, आपका ये प्लान क्या है, रोडमैप क्या है? सर इसमें हम लोग ऑलरेडी ये कर चुका है, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग डिक्लेयर कर चुका है कि अभी हम लोग 3 दिन के लिए हम लोग धरना में जा रहा है, इसके बाद में हमारा नॉन कोऑपरेशन मोमेंट होगा, तो इनकेस इसमें भी अगर अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो हम लोग इंडिपेंडेंट अंडर स्ट्राइक पे जाएंगे। ओह नॉन कोऑपरेशन? जी सर, नॉन कोऑपरेशन मीन्स सर इसमें जितना भी हमारा टीचर्स है इंगेज इन वेरियस गवर्नमेंट वर्क स्पेशली इन बीएलओस वैक्सीनेशन अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज से हम लोग एब्सटेन करेगा। इवन इसमें हम ये भी तय किया है कि फिलहाल जितना भी होगा टोटली 100% टीचर दे विल एब्सेंट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ड्यूटीज। ओह दैट इज गुड। आपका नेक्स्ट स्टेप है कि नॉन कोऑपरेशन? यस सर, इसमें नॉन कोऑपरेशन द नेक्स्ट आप जो बोला है हंगर स्ट्राइक? यस सर।